तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वृद्धा पेंशन के बारे में, यानी सोशल सिक्योरिटी पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। फ्रेंड्स, आपके घर में कोई भी सदस्य 60 साल से अधिक हो चुके हैं और उनका वृद्धा पेंशन की तरफ से वहाँ पर कोई भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है, या आपके घर में कोई विकलांग है उनका पैसा अभी तक नहीं मिल रहा है, या आपके घर में कोई विधवा है उनका भी पैसा यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, तो किस तरह से फ्रेंड्स आप खुद से ऑनलाइन करके उनका जो पैसा है वो दिला सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। या फ्रेंड्स, आप कहीं भी आप ऑनलाइन कराए हुए हैं उसका स्टेटस आप जानना चाहते हैं तो किस तरह से आप जान सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इस पोर्टल पर आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको अगर स्टेटस किस तरह से चेक कर सकते हैं, तो सिंपली आप बेनिफिशियरी स्टेटस आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हमें आप सर्च यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका जो फॉर्म है खुल कर आएगा। तो देन यहाँ पे इस तरह फॉर्म खुल कर आने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिया गया है इसको आप चुन लेंगे। डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ब्लॉक दिया गया है, जहाँ भी आपका जो ब्लॉक है वहाँ पड़ता है, तो सिंपली यहाँ पे ब्लॉक चुन लेंगे। और ब्लॉक चुनने के बाद सिंपली हमें बेनिफिशियरी आईडी यहाँ पे पूछ रहा है, आपके पास अगर आरटीपीएस एप्लीकेशन नंबर है तो उससे भी आप अपना जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्कीम ऑर्डर जो नंबर होता है वो भी आपके पास होगा तो उससे भी चेक कर सकते हैं, या आपके बैंक अकाउंट नंबर है उससे भी आप चेक कर सकते हैं, या यहाँ पर आधार कार्ड नंबर दिया गया, वोटर आईडी कार्ड, और यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है, इसमें से आपके पास जो भी है उससे भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, और मोबाइल नंबर सेलेक्शन करने के बाद सिंपली हम मोबाइल नंबर फिल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर कैप्चर आपको दिखाई दे रहा है, इस कैप्चर को फिल करके यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है कुछ इस तरह से खुलेगा। फ्रेंड्स, मोबाइल नंबर डालने के बाद कुछ इस तरह से हमारा फॉर्म है खुल कर आ चुका है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर जो बेनिफिशियरी आईडी है वो देख सकते हैं, और कौन सा स्कीम आपको दिया जा रहा है, यहाँ पे मुख्यमंत्री यहाँ पे वृद्धा पेंशन योजना पे जो स्कीम चलाया जा रहा है उससे आपका जो लाभ है मिल रहा है। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक यहाँ पे सिलेक्शन नंबर आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन डेट यहाँ पे दिया गया है, कब आपका जो यहाँ पे पैसा मिलना स्टार्ट हुआ है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ फ्रेंड्स आपको स्टेट सिलेक्शन बाई स्टेट यहाँ पे दिया गया है, उसके बाद हमें रीजन में ओके है ठीक है यानी जनाया गया है, तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका जो सारा डिटेल्स है चेक कर सकते हैं। तो किस तरह से ऑनलाइन किया जाता है वो इसके बारे में हम बात करेंगे, तो चलिए फ्रेंड्स उसको हम किस तरह से ऑनलाइन कर सकते हैं खुद से वो आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इस पोर्टल पे आने के बाद हमें आपको दिखाई दे रहा है रजिस्ट्री फॉर MVPY, इस पर क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आपके आधार नंबर के अनुसार यहाँ पर जिला आप सेलेक्ट करेंगे, जहाँ भी आपका जो जिला है वो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, जहाँ भी अपना जो ब्लॉक है उसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे स्कीम को आपको छोड़ देना है, कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। आपके पास यहाँ पे ईपिक नंबर होता है, यानी वोटर आईडी में ईपिक नंबर होता है, उसको यहाँ पे फिल कर देना है, और उसके अनुसार ईपिक नंबर के अनुसार यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद अपना जो आधार नंबर है उसको डाल देंगे, और आधार के अनुसार आपका जो यहाँ पर नाम दिया गया है उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार के अनुसार आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसको डालकर यहाँ पर वैलिडेट आधार पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो सत्यापन हो जाएगा, यानी आपका आधार सत्यापन हो जाएगा, तो प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है आगे जाएगा। तो फ्रेंड्स, फॉर्म को आगे जाएगा तो आप क्या करना है, अपना जो सारा डिटेल्स बैंक अकाउंट पासबुक ये सब को स्कैन करके रख लेना है, फोटो को हाफ फोटो को यहाँ पर स्कैन करके रख लेना है, और आधार कार्ड और वोटर आई डी कार्ड को सारे को स्कैन करके यहाँ पर PDF बना लेंगे। और PDF बनाने के बाद फ्रेंड्स आपको आगे में आपको सारा जानकारी उसमें भर देना है, और भरने के बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आपको रिसीविंग दिया जाएगा, उसके अनुसार आप फ्रेंड्स आप अपना जो स्टेटस है चेक कर सकते हैं, जो आपका जो स्टेटस है कहाँ तक पहुँचा है, इस तरह से आप खुद से अपना जो ऑनलाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।